Hello everyone and welcome back to Code with Hira. This is the part 11 of question answer series of C programming. And for today the question is that you have to write a program to print the elements in 1D array and 2D array. 1D array हम already अपने जो regular lectures है उसके अंदर discuss कर चुके हैं, लेकिन हम वापस से 1D array का एक question करेंगे. उसमें मुझे आपको दो तीन चीजें भी बतानी है and then we will move to the printing of 2D array. 2D array को print करना आपको आना चाहिए. ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जब भी एग्जाम के अंदर एरे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पे स्टूडेंट्स मेजरली 1D एरे का एग्जाम्पल बहुत ही इजीली लिख लेते हैं, लेकिन 2D एरे का एग्जाम्पल लिखने में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो टू मेक श्योर दैट यू डोंट फेस सच अ प्रॉब्लम, आज हम इसके ऊपर एक कोड भी लिखने वाले हैं एंड उसका ड्राई रन भी अच्छे से समझने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हम 1D का एग्जाम्पल करेंगे. अपना कोड यहाँ पर लिख लेते हैं. सबसे पहले लिखते हैं अपनी हेडर फाइल stdio.h int main. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाने वाले हैं ऑफ साइज 5. इसको हम जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उसकी वैल्यूज यहाँ पर दे देते हैं. फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज जो हमने दी है. इसके जो इंडेक्सिंग है दैट इज फ्रॉम 0. 0 इंडेक्स के ऊपर हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड है दैट इज 10 एंड लास्ट इंडेक्स इज 4, क्योंकि n माइनस 1 तक जाते हैं तो लास्ट एलिमेंट है हमारा 50. ठीक है, इसके बाद हम फॉर लूप लगाने वाले हैं. फॉर लूप लगाते हैं, सबसे पहले हमको i को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा int i एंड यहाँ पर फिर i इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे. आई कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि हम 0 से लेकर 4 तक ले रहे हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, जो 5 है वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमने आई को लेस देन रखा है 5 से. देन यहाँ पर लिख लेते हैं आई प्लस प्लस. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा देंगे. नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इंडेक्स बेस्ड प्रिंटिंग करवाने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं परसेंटेज डी इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, दिस वन. सो फर्स्टली जो हमने परसेंटेज डी लिखा है इट विल इंडिकेट कि कौन सा इंडेक्स है. दैट इज हमको इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा. एंड जो हमने सेकेंड परसेंटेज डी लिखा है इसका मतलब है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि हम यहाँ पर स्टोर करवाने वाले हैं. स्टोर इन द सेंस जो कि यहाँ पर आने वाला है. तो यहाँ पर कर देंगे एरे ऑफ आई. ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा. एंड देन हम लास्ट में लिख देते हैं अपना रिटर्न 0. इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं. एंड इसी के बाद इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ और चेंजेस हैं जो कि हम करने वाले हैं. सो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है. यहाँ पर बैक स्लैश टी भी यूज करना चाहिए था हमें. यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा देते हैं. तो प्रॉपर क्या होगा, रो वाइज के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट होकर आ गए हैं. 0 इंडेक्स पे हमारा 10 आ गया है, 1 इंडेक्स पे 20 आ चुका है, 2nd इंडेक्स पे 30, 3rd इंडेक्स पे 40 एंड 4th इंडेक्स पे हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है 50. नाउ अगर मुझे इन सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाए इनमें से अगर कोई मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर. एंड जो भी एलिमेंट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एरे के अंदर सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, 20 हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए सो दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द सेकेंड एलिमेंट इज. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं परसेंटेज डी और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरे एट इंडेक्स 2, एट इंडेक्स 1 सॉरी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरे जो है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, 20 प्रिंट होकर आएगा. इसको एक बार रन करके देखते हैं. यस, तो हमारे पास 20 प्रिंट तो हो गया है, लेकिन ये बार बार प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसको फॉर लूप के अंदर लिख रखा है. इसको फॉर लूप से हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं.
ठीक है, अब एक ही बार हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा होगा दैट द सेकेंड एलिमेंट इज 20। ऐसे ही आप अगर कोई और भी एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसको भी प्रिंट करवा के देखेंगे। एंड इसी के साथ एक और लाइन आई वुड लाइक टू राइट, यहाँ पर क्या करेंगे फिफ्थ लिख देते हैं एक बार। अब हमारे जो एरे का टोटल साइज है इट इज 5, जिसके अंदर जो फिफ्थ इंडेक्स है वहां पे कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिख रखा है द सेकेंड एलिमेंट इज 20। सेकेंड ओके, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पर आएगा फिफ्थ एलिमेंट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं सिक्स्थ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं। ठीक है, अब एक एक हर एक रो के अंदर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा होगा। सो हमारे पास प्रिंट होकर आया दैट द सेकेंड एलिमेंट इज 20, बिल्कुल सही बात है। द फिफ्थ एलिमेंट इज 50, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पर जब हमने सिक्स्थ एलिमेंट को प्रिंट करवाया, जो कि हमने यहाँ पर इंडेक्स 5 दिखाया, तो हमारे पास प्रिंट होकर आया 0, क्योंकि एरे के अंदर ये इंडेक्स है ही नहीं। अभी आपने कोई भी वैल्यू उसके ऊपर स्टोर ही नहीं करी, एंड जब तक आप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तब तक आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 6 करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो एरे का साइज है वो अब 6 हो चुका है, लेकिन तब भी क्या हुआ हमारे पास 6 एलिमेंट की वैल्यू 0 है। अब ऐसा क्यों आया इसको एक बार मेमोरी से समझते हैं। ये हमारा एक एरे है, ये पूरी मेमोरी है। यहाँ पे हमने क्या स्टोर करा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस पे हमने वैल्यूज को स्टोर तो कर दिया, लेकिन हमारा जो लास्ट इंडेक्स है जो कि हमारा फिफ्थ इंडेक्स, वहां पे हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करी। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करता है यहाँ पर 0 को एज्यूम कर लेता है कि कोई भी वैल्यू नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने ये समझा कि अगर हमें एक एरे दे रखा है तो उसमें हम किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा 1D एरे का एग्जांपल। नाउ 2D एरे की बात करते हैं। 2D एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2D एरे की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम 2 डायमेंशन के अंदर क्या करने वाले हैं, अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। नाउ 2D एरे के अंदर हमको प्रिंट करवानी होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने 11th 12th में पढ़ी होगी क्या होती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 3x3 मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट स्टोर कर देते हैं 15, 16, 5, 7, 8। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिया। अगर हम एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। मैथ्स में आपने सीखा था कि यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो। दैट मीन्स आपको 0 से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 0th रो है, ये 1st रो है एंड ये 2nd रो है। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा 0th, 1st एंड 2nd। तो अगर हम इनकी पोजिशन वाइज बनाकर देखें तो क्या होगा, 10 कौन सी पोजिशन पे स्टोर है, ये 0, 0 पोजिशन पे स्टोर है। 20 कौन सी पोजिशन पे स्टोर है, ये 0, 1 पोजिशन पे स्टोर है। 30 किस पे स्टोर है, 0, 2 पे स्टोर है। सबसे पहले हम रो के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, देन वी कम टू द कॉलम इंडेक्स। 14 कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 1, 0। 15 के लिए हम लिखते हैं 1, 1। 16 के लिए वी विल राइट 1, 2। 5 के लिए वी वुड बी राइटिंग 2, 0। 7 के लिए 2, 1 एंड फॉर 8 इट वुड बी 2, 2। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग है ये काम करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, अब इसको भी एक बार समझते हैं। यस, यहाँ पर करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब यहाँ पर एक बात तो पता है कि अगर हम यहाँ पर 2D एरे की बात करें, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 2 लूप्स को लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब हम 1D एरे की बात करते हैं तो हमको 1 लूप को लगाने की जरूरत पड़ती है, जब हम 2D एरे की बात करते हैं तो हमको 2 लूप्स को लगाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक 2D एरे बनाते हैं ऑफ साइज एरे 3x3 मैट्रिक्स बनाएंगे अपन यहाँ पर।
ठीक है, इसी के साथ हमको i और j को भी इनिशियलाइज करना होगा क्योंकि दो लूप्स को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं अपने i लूप को, इसको कर देंगे i इज लेस देन, कहाँ तक जाएगा ये 3 तक जाएगा क्योंकि हमने i एक के लिए, दिस इज फॉर i एंड दिस इज फॉर j, तो हमने इसका साइज क्या दिया है 3, तो ये 3 तक जाएगा, देन वी डू i प्लस प्लस। नाउ फॉर लूप जो हमने यहाँ पे लिखा है i के लिए, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसी लूप के अंदर हम जे लूप को भी लिखने वाले हैं। फॉर हम लिखते हैं जे को भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, जे भी 3 तक जाएगा एंड जे को भी हम करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एंटर करवाएंगे, एंटर ए ऑफ, यहाँ पर हम परसेंटेज डी लिखते हैं एंड वापस से परसेंटेज डी। ठीक है, नाउ फर्स्ट परसेंटेज डी पे जो भी इंडेक्स है वो हमारा आई के लिए होगा, सेकेंड परसेंटेज डी के ऊपर जो हमारा इंडेक्स आएगा दैट वुड बी ऑफ जे। ठीक है, इसका ड्राई रन भी समझेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट्स को एंटर करवा देंगे। आप चाहो तो वैल्यूज को फिक्स भी कर सकते हो, 2D array को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर रखा है लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड रेफर टू द वीडियो ऑल्सो। तो यहाँ पर लिखते हैं आई एंड देन जे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लूप का क्या काम था, इन दोनों लूप्स का काम था कि हमने क्या करा, 2D array के अंदर हमने वैल्यूज को एंटर करवा लिया, लेकिन हमें अभी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में जिस तरीके से हमने बनाया है अभी उस तरीके से हमको शो नहीं होगी। अभी ये हमको पूछ रहा है दैट एंटर ए ऑफ 0 0, यहाँ पर इसको समझते हुए चलना है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 0 0 की बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 10, ठीक है, देन इट इज टॉकिंग अबाउट 0 1, दैट इज आर सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट रो, दैट इज 0 2, तो यहाँ पर एंटर करते हैं 20, देन इट इज आस्किंग फॉर द थर्ड वैल्यू जो हम डाल देते हैं 30। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर आ गए सेकेंड रो के अंदर, यहाँ पे कुछ भी हम डाल देते हैं, ठीक है, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो। यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, अगर आपको डाउट आता है कि 0 1 कहाँ पर होता है, 1 0 कहाँ पर होता है, तो पहले आप इस तरीके की एक मैट्रिक्स बनाकर देख लो एंड उसके बाद आप क्या करो, अपना जो भी प्रोग्राम है उसको रन करवाओ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने वैल्यूज तो एंटर कर दी लेकिन अभी हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज प्रिंट होकर नहीं आई है। अब वो प्रिंट होकर कैसे आएंगे जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा ये एक बार लूप खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं न्यू लाइन के लिए। इसके बाद हम एक और लूप लिखने वाले हैं, सेम लूप ही लिखेंगे, दोबारा लिखने की बजाय आई जस्ट कॉपी इट डाउन, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिर्फ अपने ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, स्कैन एफ को तो हम हटा ही देते हैं और यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर वील राइट परसेंटेज डी एंड यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 0 पे जो भी वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी क्योंकि हम ऑलरेडी उसको प्रिंट करवा चुके हैं। नाउ इसी के साथ हमको प्रॉपर स्पेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैट्रिक्स के बीच में ये स्पेस है, तो ये हम किसकी मदद से दे सकते हैं, ये हम बैकस्लैश टी की हेल्प से दे सकते हैं। न्यू लाइन में आ रहे हैं तो बैकस्लैश एन को यहाँ पर यूज करा जा सकता है, यहाँ पर हम इसके नीचे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन को यूज कर लेते हैं। नाउ इसको एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं, लास्ट में वी पुट बी राइटिंग रिटर्न जीरो लिखना नहीं भूलना है। अब इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं, ओके सो लेट्स एंटर द वैल्यूज। ओके सो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जितनी भी वैल्यूज एंटर करी वो हमारे पास सारी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर प्लेस होकर आ चुकी है। इफ यू फील कि बहुत ज्यादा गैप आ गया है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश टी लगाने की बजाय हम यहाँ पर आगे एंड पीछे थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी करेंगे तो वो भी ठीक ही रहेगा।
वापस अपनी वैल्यूज जो भी है उनको एंटर करते हैं। ओके सो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया क्योंकि यहाँ पे टू डिजिट्स आ गई है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा कम स्पेस दिखाई दे रहा है। अब नाउ लेट्स सी इट्स ड्राई रन, ये ड्राई रन किस तरीके से इसका वर्क करना होगा। सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपनी हेडर फाइल लिखी, इंट मेन लिखा, यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करा ऑफ साइज 3:3। इसी के साथ हमने आई और जे को भी डिक्लेयर किया है क्योंकि हमको लूप के अंदर उनकी जरूरत पड़ेगी। नाउ हमने क्या करा, लूप लगाया, फर्स्ट लूप लगाया दैट आई इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड लूप भी हमने जे के लिए लगाया। नाउ जो प्रिंट एफ होगा, एंटर परसेंटेज डी परसेंटेज डी, तो यहाँ पर आई की करंट वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, कुछ इस तरीके का बन रहा होगा कि 0 के ऊपर और जे की भी वैल्यू स्टार्टिंग में भी है 0, तो मतलब क्या होगा कि आप फर्स्ट एलिमेंट एंटर करो 0 0, AR 0 0 पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट एंटर करना है। एंड देन हम नेक्स्ट लाइन में क्या करवाने वाले हैं, यही जो वैल्यूज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आई है इसी इंडेक्स के ऊपर हम इसको एंटर करवाने वाले, जो भी हमारी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 2 एंटर करवा दी, तो यहाँ पर एंटर वाला काम तो हमारा हो जाएगा, वो तो आपको 1D से भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ जब प्रिंटिंग की बात आती है तो प्रिंट किस तरीके से हो रहा है, हमने फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने वो प्रिंट करवा दिए। नाउ हम आते हैं अपने सेकेंड सेट ऑफ लूप के ऊपर, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से हमने इसको इनिशियलाइज करा, दोनों में सेम लूप लगाया बस स्टेटमेंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पर हम गए नेक्स्ट लाइन के अंदर, यहाँ पर हमने पढ़ा परसेंटेज डी ARRI ऑफ जे, इसका मतलब क्या है कि भाई जब हम एरे की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट रो है दैट इज जो 0th इंडेक्स पे रो है, एंड जे में भी क्या है, 0th जो हमारे पास कॉलम है उस पे जो भी इंडेक्स है, उस पे जो भी वैल्यू है, उसको आप क्या करो यहाँ पर प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू है 10, आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप वापस से ऊपर जाओगे, जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज 1 इज लेस देन 3, तो आप क्या करोगे वापस से परसेंटेज डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमने यहाँ पर स्पेस को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आगे और पीछे दोनों जगह स्पेस प्रिंट होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक स्पेस प्रिंट हो गया, तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दैट इज 20। फॉर एग्जाम्पल 20 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ARR हुआ, आई की वैल्यू तो अभी भी 0 ही है, दैट मीन्स हम अभी भी कौन से इंडेक्स पे हैं, हम अभी भी फर्स्ट रो पर ही है, लेकिन हम सेकेंड कॉलम पे आ चुके हैं, 0 1 हो चुके हैं, क्योंकि जो जे की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। इसको थोड़ा सा असेंबल करते हुए चलने पर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमने 20 को प्रिंट करवा दिया क्योंकि यहाँ पर ARR ऑफ 0 एंड यहाँ पर ये 1 हो गया। नाउ जब अगेन जे प्लस प्लस होगा तो 1 से इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, नाउ 2 इज अगेन लेस देन 3। बिल्कुल सही बात है, हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पर आपको खुद सोचना है कि यहाँ पर अभी क्या वैल्यू आ चुकी होगी, यहाँ पर क्या आ चुका होगा, ARR आई का तो इंक्रीमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी तक हम जे लूप के अंदर ही है, यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड 1 की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 2 क्योंकि जे का इंक्रीमेंट हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। एंड फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे लेटेड भी 30। अब क्या हुआ, जे प्लस प्लस जैसे ही हुआ तो 2 से इंक्रीमेंट हो गया 3, नाउ 3 इज नॉट लेस देन 3, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो हम जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, फिर हम ऊपर आएंगे, आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस जैसे ही होगा तो 0 से इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। अभी हम आई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरी हम बात कर रहे थे जे के बारे में। फिर क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी दैट इज 1 लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू। हम अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन अगर आप चाहो तो जैसे ही आपका ये फॉर लूप खत्म होता है जे वाला, इसके यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में लिखो चाहे नीचे लिखो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से अपने जो भी प्रोग्राम है उसको होल्ड कर सकते हो। तो अभी तक हम यहीं पर थे, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर क्योंकि बैकस्लैश एन रीड कर लिया है कंपाइलर ने। अब हम वापस से यहाँ पर आएंगे, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा,
यहाँ पर जब वो रीड करेगा तो i की वैल्यू अब 1 हो चुकी है एंड जो j की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है. नाउ ये अगेन 0 से लेकर 2 तक रन करेगा, हमारी जो सेकेंड लाइन है वो भी प्रिंट होकर हमारे पास मिल जाएगी. फिर क्या होगा, देन अगेन हम j लूप से एग्जिट कर जाएंगे, i प्लस प्लस पे जाएंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी एंड वहां पर फिर क्या होगा बैकस्लैश n रीड करेगा. देन अगेन 0 से लेकर 2 तक हमारा जो लूप है वो रन करेगा. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज आती है 5, 6, 7, ठीक है. हम अगेन जे लूप से एग्जिट करेंगे, ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होते ही इसकी वैल्यू हो गई 3, i की वैल्यू अब हो चुकी है 3. नाउ 3 इज नॉट लेस देन 3, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे i लूप से एग्जिट कर जाएंगे. और जैसे ही i लूप से एग्जिट कर जाएंगे वैसे ही हमारा जो ये लूप है दोनों के दोनों लूप हम एग्जिट कर जाएंगे, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा. दैट मीन्स द प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर. सो दिस इज हाउ यू आर गोना प्रिंट द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लूप को सही तरीके से लगा रहे हो, आप बैकस्लैश एन को सही जगह पे लगा रहे हो, आप प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्सिंग, एरे इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है, तभी आप अपने प्रोग्राम को किसी को भी अगर आपको समझाना है तो आप उन्हें समझा पाओगे, बिकॉज दिस इज द मेन स्टेप. अगर आपको इसके इंडेक्सिंग के बारे में आइडिया लग गया, अगर आपको ये पता चल गया कि इंडेक्सिंग किस तरीके से इसमें काम कर रही है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे. नाउ 2D एरे के अंदर भी अगर हमें कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे कि हमने 1D के अंदर करा था, 1D में हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडेक्स लिखा था, लेकिन 2D आ रही है अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इंडेक्स को इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक इंडेक्स को एक्सेस करके यहाँ पर दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर लूप के बाहर लिख रखा है, तो सेकेंड इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट इन फर्स्ट रो इज परसेंटेज टी. अब ये समझते हैं कि सेकेंड एलिमेंट इन दी फर्स्ट रो का क्या मतलब है. आप बात कर रहे हो सेकेंड एलिमेंट की, सेकेंड एलिमेंट की मतलब आप इस रो इस कॉलम में आ चुके हो, बिल्कुल ठीक बात है. फिर हमने क्या लिखा है, इन दी फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो, मतलब ये रो एंड दिस कॉलम, दैट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट आता है दैट इज 0, 1 इंडेक्स हमारे पास आ चुका है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ARR 0, 1. वैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बार बार मैट्रिक्स को इंडेक्स फुली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको एक बार ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एंटर कर लेते हैं, 9. एंड यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट होकर आ चुका है. यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन यूज नहीं करा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके ही थोड़ा सा आगे हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है. लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या करा है, यहाँ पर लिखा है 0 और 1 एंड यहाँ पर हमने 0 और 1 पे जो एलिमेंट एंटर करा है दैट इज 2 एंड मेरे पास 2 ही यहाँ पर प्रिंट होकर आया है. So this is how you can access any element inside the 2D array also. Yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I really hope that you are able to understand these two particular questions. ये exams के अंदर बहुत ही frequently आते हैं. अगर आपके exams के अंदर array के ऊपर 5 या 6 marks के अंदर कोई भी question है तो आप ये मान सकते हो कि आपको 2D array को in the form of a matrix ही explain करना होता है, ठीक है. ऑल्सो बायो के अंदर भी एग्जामिनर आपसे बोल सकते हैं दैट आप मुझको ये एक्सप्लेन करो, समझाओ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है. सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.